सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई को अपने को धार दे रखी होगी आपने और अपनी तैयारी जो है उसको बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप लोग जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, आपने थंबनेल देख लिया होगा और मैंने पहले सूचित कर दिया था, आज की जो अपनी क्लास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का थोड़ा सा पार्ट था, वो बचा हुआ था, तो उसके लिए क्या आए अपन लोग। तो आज अपन बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका अंतिम भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन क्यों हुए, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही और बिजोलिया किसान आंदोलन है स्टेप टू स्टेप कैसे चला, कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी शंकाओं का समाधान अगर आपको चाहिए तो पहले से 4 वीडियो बिजोलिया किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के ऊपर डाले हुए हैं, उनको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास से पहले अगर आप देख पाते हैं उनको तो बहुत अच्छी बात है, ताकि पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी। और अगर आपने पहले देख लिए तो करते हैं आज की क्लास को अपन लोग शुरू। साथियों गौर कीजिएगा, अपन ने चर्चा की लास्ट जहां छोड़ा वहां से चलूंगा मैं। लास्ट अपन ने बात ये की थी साथियों कि 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया जाता है। 1923 में विजय सिंह पथिक का जेल चले जाना, 1923 से लेके 1926 तक अकाल पड़ना और उसी दौरान साधु सीताराम दास का खादी के कार्य के लिए एमपी में चले जाना, यानी विजय सिंह पथिक भी उस टाइम आंदोलन से अलग हो गए थे क्योंकि जेल में थे और साधु सीताराम दास वो चले गए थे एमपी में। तो कुल मिला के मैं कहूं कि माणिक्य लाल वर्मा के हाथों में यह आंदोलन आ जाता है और रामनारायण चौधरी वगैरह वो तो थी साथ। अब मित्रों होता क्या है ना, 1923 से लेके 1926 तक पड़ा अकाल और 1926 में फिर ठिकाने ने और जो आपका उदयपुर था बोले तो मेवाड़ रियासत, उन्होंने क्या किया, भूमि बंदोबस्त भी लागू कर दिया। यानी एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ था और ऊपर से भूमि बंदोबस्त लागू करके और जो लगान वगैरह था वो और बढ़ा दिया। कहने का मतलब मैं यूं कहूं कि दोहरी मार किसानों पे पड़ गई। अब साहब ऐसा ही मुद्दा चल रहा था और इसी बीच 1927 के अंदर एक आयोग आता है जिस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। मित्रों गौर कीजिएगा, 1922 में अपन ने पढ़ा था हॉलैंड आए थे तो उसे हॉलैंड आयोग भी कहते हैं और वो हॉलैंड आयोग या हॉलैंड की सिफारिश पर क्या किया गया था, जो आपके 84 प्रकार के कर थे उनमें से 35 प्रकार के कर हटाने की घोषणा की गई थी, उनके ऊपर पूरा काम नहीं हुआ था। अब साहब ट्रेंच साहब आए, ट्रेंच साहब से मुलाकात करता है अपना राजस्थान सेवा संघ था उसके पदाधिकारी माणिक्यलाल वर्मा आदि लोग। जब वो उनसे मुलाकात करते हैं, उधर किसानों से उनकी बातें चल रही थी किसान पंचायतों के माध्यम से, तो किसानों से बातें चल रही थी, एक मुद्दा उछाला जाता उस समय कि आप लोग जो माल भूमि है इसको छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे जी माल भूमि क्या होती, पीछे वाले वीडियो देखिए, पूरी डिटेल नहीं बताई जाएगी, यहां मैं एक बार कनेक्ट कर रहा हूं आपको क्लास से, माल भूमि क्या है। अब माल भूमि की बात हुई, माल भूमि को छोड़ दिया जाए, सारे किसानों ने निर्णय लिया कि छोड़ देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय पथिक जी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि पथिक जी रिहा होने वाले हैं, पथिक जी आ जाते हैं उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कि माल भूमि को किसानों को छोड़ना है या त्यागना है या नहीं त्यागना। अब भाई साहब अप्रैल 1927 में पथिक जी हो जाते हैं रिहा, लेकिन पथिक जी मेवाड़ में नहीं थे, पथिक जी एमपी के फुसरिया गांव में रह करके, कौन से गांव में, एमपी के फुसरिया गांव में रह करके और आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे थे। ठीक बात है। अब पथिक जी है, पथिक जी जैसे ही वहां आते हैं, कहां से, जेल से रिहा होके, किसानों से किसानों ने पहले से प्लान कर रखा था कि पथिक जी आएंगे, पथिक जी से पूछेंगे कि हमें अपनी भूमि को छोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि जोतेंगे तब तो क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, इससे अच्छा कि हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो सरकार अपने आप क्या करेगी, ठिकाने के पास सरकार के पास बोले तो मेवाड़ के पास इनकम क्या थी, किसानों से थी, जब किसान भूमि नहीं जोतेगा तो इनकम कहां से आएगी, लगान कहां से आएगा, तो हम भूमि छोड़ देंगे। लेकिन भाई साहब क्या होता है सुनिएगा, पथिक जी ने कहा भाई छोड़ दो, पथिक जी ने कहा छोड़ दो, सभी किसानों ने मिलकर कह लिया कि भाई हम छोड़ेंगे, लेकिन हम में से कोई ऐसा किसान नहीं होना चाहिए जो इस भूमि को वापस से खरीद ले,
या वापस से इस भूमि को जोतने लग जाए। सारे किसानों ने कहा ठीक है छोड़ देंगे, एक मत में आवाज उठाई। लेकिन आवाज तो उठा दी जाती, उनमें से पीछे धोखे देने वाले होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं धोखे की प्रक्रिया। अभी देख रहे हैं एक साथ तो होते हैं, हाँ जी हम हैं, लेकिन बाद में 20 अलग 30 अलग 50 अलग। वो ही वहां हुआ। और वहां भाई साहब क्या होता है, जैसे ही किसानों ने जमीन छोड़ी, वैसे ही अन्य जो मजबूत किसान थे और महाजन थे, वो क्या करते हैं, उस जमीन को सरकार से ले लेते हैं। यानी किसानों ने इसलिए छोड़ी थी कि सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचेगा, सरकार अब है वो लगान कम ही करेगी, लेकिन अन्य जो मजबूत किसान थे वो उस भूमि को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। और इस प्रकार से जो किसानों का मंसूबा था कि अपन सारे किसान एकजुट हैं, वो उनकी एकता भी छिन्न भिन्न हो जाती है, मजबूत किसान उस जमीन को ले लेते हैं और लगान सरकार को पहुंचा देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। और मित्रों गौर करना, जैसे ही ये काम होता है, किसानों के हाथों से जमीन निकल चुकी थी, और जमीन निकल चुकी थी, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का जो ठीकरा है वो फोड़ा जाता है विजय सिंह पथिक के ऊपर। और फोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि विजय सिंह पथिक थे वो उस समय जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन के सर्वेसर्वा थे। मित्रों अब जैसे ही ठीकरा फोड़ा जाता है, विजय सिंह पथिक थे, उनको भी आत्मग्लानी होती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसा फैसला सुना दिया। और उस आत्मग्लानी के परिणाम स्वरूप विजय सिंह पथिक, गौर करना मेरी बात पे, मैं यहां फैक्ट लिख रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, यहां प्रश्न आएगा 1928 ईस्वी में। कब की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, 1928 ईस्वी में पथिक जी क्या करते हैं, पथिक जी द्वारा अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया जाता है। और जैसे ही पथिक जी सभी पदों से त्याग पत्र देते हैं, आज की क्लास शुरू होने जा रही है, वो पीछे वाली बताएंगे। जैसे ही पथिक जी सभी पदों से मेरे प्यारे मित्रों त्याग पत्र देते हैं, यानी अपन यूं कह सकते हैं पथिक जी का आंदोलन से अलग होना, पथिक जी का आंदोलन से अलग होना। चलो भाई साहब, पथिक जी आंदोलन से क्या हो गए अलग, ठीक बात तो हो गई, पथिक जी अलग हो गए, अब कौन बचते हैं, अब कमान किसके हाथों में आ जाती है भाई साहब। अब अपन यूं कह सकते हैं माणिक्य लाल वर्मा, और इसके पीछे भी कहानी है, कमान कैसे हाथ में आती है। माणिक्य लाल वर्मा है वो इस कमान को ले लेते हैं, मतलब वो तो हट गए। और जैसे ही वो त्याग पत्र देते हैं, उसी दौरान माणिक्य लाल वर्मा है ये जमना लाल बजाज के पास जाते हैं, जमना लाल बजाज से आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह करते हैं कि भाई साहब आप है ये इस आंदोलन की कमान संभाल लीजिए। किससे आग्रह करते हैं, जमना लाल बजाज से। और जमना लाल बजाज ने एक शर्त रखी कि मैं इस आंदोलन से तभी जुड़ूंगा जब विजय सिंह पथिक पूर्ण रूप से इस आंदोलन से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाए। यानी मतभेद की जो खाई थी वो तो गहरा गई थी। अब जैसे ही ये बात पता चलती है विजय सिंह पथिक को, उन्होंने पहले तो त्याग पत्र ही दिया था, अब वो इस आंदोलन से अपने आप को पूर्णतः क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और अपन यूं कहें जो लोकप्रियता पथिक जी को मिली थी बिजोलिया क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, अब वो लोकप्रियता अब धीरे धीरे खत्म होने लग जाती। वो लोकप्रियता खत्म हुई, इसी का परिणाम था कि 1952 के चुनाव में, जो आपको जानकारी नहीं होगी, 1952 के चुनाव के अंदर पथिक जी हैं वो हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब मित्रों सुनिएगा, जमना लाल बजाज से आंदोलन के नेतृत्व तो आग्रह किया जाता है, और जमना लाल बजाज ने इसके लिए क्या कर दी, हां कर दी। चलो ठीक बात, हां कर दी। जैसे ही हां करी, उसके बाद 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, 1929 ईस्वी में
हरि भाऊ उपाध्याय, हरि भाऊ उपाध्याय, हरि भाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाता है। याद रखेंगे आप, आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाता है। अपना सीधा सीधा प्रश्न बनने जा रहा है प्यारे मित्रों, क्या कि आंदोलन का नेतृत्व है हरि भाऊ उपाध्याय को कब सौंपा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा 1929 में। और 1929 में जैसे ही हरि भाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंपते हैं, उसके बाद से आंदोलन था वो हरि भाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में ही आगे चलता रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिएगा मित्रों, चलो आगे। ठीक है, अब मित्रों क्या होता है ना, किसान जो थे, इन किसानों ने अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, किसान थे वो लालायित थे। चलो ठीक 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 बात। मित्रों गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, लो जी ठीक है ठीक है। अब भाई साहब क्या होता है, मैं कहूं कि माणिक्य लाल वर्मा ने आग्रह किससे किया? जमना लाल बजाज से। किससे आग्रह किया? जमना लाल बजाज से। और जमना लाल बजाज ने क्या कर दिया मित्रों, जमना लाल बजाज ने हरि भाऊ उपाध्याय को क्या, उपाध्याय को इस आंदोलन का नेतृत्व आगे चल के सौंप दिया। ठीक बात। अब भाई साहब क्या होता है, अब ये माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज और हरि भाऊ उपाध्याय, ये इस आंदोलन का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। अब इसी समय जो किसान थे, किसान अपनी खोई हुई जमीन को पाना चाहते थे। पाना चाहते थे तो क्या करें, किसानों ने क्या किया, किसानों ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया कि हम सत्याग्रह करेंगे। और किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। और उसके बाद में अक्षय तृतीया के दिन, गौर करना, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं अपन। अक्षय तृतीया के दिन बोले तो अप्रैल 1931 की बात है। इस अक्षय तृतीया के दिन जो किसान लोग थे, गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, इस अक्षय तृतीया के दिन जो किसान लोग थे, उन लोगों ने जो भूमि छोड़ रखी थी, मैं लिख देता हूं यहां, जो भूमि छोड़ रखी थी उस भूमि के ऊपर वापस से हल चलाना प्रारंभ कर दे। यानी मैं क्या कहूं, भूमि पर हल चलाना प्रारंभ। अब भाई साहब जैसे ही भूमि पर हल चलाना प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही ठिकाना है वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का क्या करेगा, ठिकाने के द्वारा दमन किया जाता है वे किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मित्रों सुनिएगा, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी समय याद रखनी एक बात, किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साथ में माणिक्यलाल वर्मा की भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन 12 दिन के बाद में माणिक्यलाल वर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया जाता। इन किसानों को साहब क्या कर लिया, ठिकाने ने गिरफ्तार कर लिया। और जो आपका दमन करने के लिए अपन कहें अत्याचार की नीति अपनाई, किसानों के ऊपर डंडे बरसाए, किसान खाते रहे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम सत्याग्रह की राह पे चलेंगे। और किसान जो थे उन्होंने अपने अपने खेतों में, जो खेत उन्होंने उस समय छोड़े थे, उनके ऊपर हल चलाना प्रारंभ कर दिया। ठिकाने के द्वारा दमन किया जाता है, वह किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे की कहानियां क्या बनती है सुनिएगा।
यानी किसानों के लिए जो ठिकाना था उस ठिकाने की दमनकारी नीति है वो प्रारंभ हो जाती है। आगे का घटनाक्रम क्या बनता है मित्रों सुनिए। मैंने कहा आंदोलन अब किसके हाथों में था, तो आपका उत्तर बनेगा आंदोलन हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में था। अब भाई साहब हरिभाऊ उपाध्याय ने किसने हरिभाऊ उपाध्याय मैं फिर कह रहा हूं किसने हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया सुनिएगा मित्रों। हरिभाऊ उपाध्याय ने जो आपका उदयपुर व ठिकाने को पत्र लिखिए, उदयपुर को भी लिखे और बिजोलिया ठिकाने को भी लिखे, और पत्रों में कहा कि हमें रियायत दीजिए, हमें हमारी भूमि वापस दीजिए, लेकिन इन लोगों ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं यूं कह दूं कि पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। अब मरता क्या नहीं करता भाई, पत्रों का कोई जवाब है वो नहीं आया। जब पत्रों का कोई जवाब नहीं आया तब हरिभाऊ उपाध्याय ने अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद को पत्र लिखा, और अखिल भारतीय इस परिषद ने क्या कहा, हरिभाऊ उपाध्याय को विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के। यानी मैं यूं कह सकता हूं अब यह आंदोलन मेवाड़ को छोड़ के और भारत की तरफ रुख कर चुका है, और जब भारत की तरफ रुख कर चुका है इसलिए पूरे भारत में इस आंदोलन का महत्व है। और इसी दौरान हरिभाऊ उपाध्याय ने महात्मा गांधी को भी इस मामले से अवगत करवाया। जैसे भाई साहब महात्मा गांधी को इस मामले की जानकारी मिलती, महात्मा गांधी क्या काम करते हैं, महात्मा गांधी ने अपने साथी सर मदन मोहन मालवीय से मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखवाया। सुनिएगा और समझिएगा मुद्दे को क्या है। यानी हरिभाऊ उपाध्याय ने उदयपुर को मेवाड़ को बोले तो और ठिकाने को पत्र लिखे, लेकिन भाई साहब पत्रों का क्या कोई जवाब आता है, आपका उत्तर आएगा गुरुजी पत्रों का कोई जवाब नहीं आता। जब पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है अखिल भारतीय देशी जो राज्य परिषद थी उसको लिखा जाता, और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ, और उसके बाद में महात्मा गांधी जी को इस मामले से अवगत करवाया जाता है, और मित्रों गांधी जी ने क्या किया, सर मदन मोहन मालवीय से मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखवाया। जैसे ही सुखदेव प्रसाद ने देखा कि अब यह आंदोलन है ये भारतीय नेताओं तक पहुंच गया है, तो सुखदेव प्रसाद ने गौर करना इस बात के ऊपर, और ध्यान भी देना है मैं क्या कह रहा हूं, यानी सुखदेव प्रसाद ने वार्ता करने के लिए जमनालाल बजाज को उदयपुर बुलाया। पढ़ा ना फर्क, महात्मा गांधी जी के पास बात पहुंची, महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय से कहा, उन्होंने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा, और सुखदेव प्रसाद ने मित्रों वार्ता के लिए किसको बुला लिया, जमनालाल बजाज को बुला लिया। भाई साहब अब भाई साहब सुनिएगा, इधर एक तरफ तो आते हैं मैं यूं कहूं कि ये तो जमनालाल बजाज,
इधर से कौन है भाई साहब? इधर से ये है सुखदेव प्रसाद, और इधर से कौन बैठे हैं भाई साहब? इधर से भाई साहब ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले भाई साहब बैठे हैं मेवाड़ के महाराणा, याद कर लो, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। यानी मैंने बना दिया है इनका ये मेरा। इधर से कौन है? जमना लाल बजाज। भाई साहब इधर से कौन है? एक तो सुखदेव प्रसाद और एक महाराणा। वार्ता होती है, बातचीत होती है, कब की बातें हैं ये बातें भाई साहब? जुलाई 1931 की बातें हुई। और बातें होके और मित्रों समझौता क्या होता है यहां सुनिएगा। बातें होके यहां समझौता होता है नंबर एक। नंबर एक समझौता होता है कि किसानों को धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, वो बात नहीं है, किसानों को धीरे धीरे जमीन लौटा दी जाएगी। ठीक बात है भाई साहब, ये बात होगी कि किसानों को धीरे धीरे जमीन लौटा देंगे अपन। दूसरी बात मित्रों ये होती है, यहां पे सुनिएगा, मैं इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिख रही नहीं रहा होगा। दूसरी बात होती है कि किसानों की जेल से रिहाई, किसानों की पसीना लग जाता है, किसानों की जेल से रिहाई। सुनना समझना, नंबर एक बात क्या, किसानों को धीरे धीरे जमीन लौटा देंगे, दूसरी बात किसानों की जेल से रिहाई कर देंगे, और मित्रों सुनिएगा तीसरी बात कही, जो 1922 का समझौता था, इस समझौते का पालन करेंगे। जो 1922 में हॉलैंड के समय मित्रों समझौता था ना, इस समझौते का अपन लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे। ये बातें कह दी जाती हैं किसको, आपके जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज यहां से भाई साहब चले जाते हैं वापस अपने क्षेत्र में। अब जैसे ही समझौता होता है, समझौता होके जमनालाल बजाज चले जाते हैं, लेकिन सुनना समझना, लेकिन लग जाती है, और लेकिन क्या लग जाती है, किसानों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। एक शर्त तो पूरी हो जाती है, लेकिन किसानों को जमीन लौटाने वाले वादे से वापस से मेवाड़ जो ठिकाना था, सॉरी रियासत थी, और बिजोलिया ठिकाना था, वो ठिकाना मुंह फेर लेता है कि हम किसानों को जमीन वापस नहीं लौटाएंगे। अब जब मुंह फेर लेता है तो निश्चित बात है कि आंदोलन फिर गति पकड़ेगा। और जैसे ही ये बात आती है सामने माणिक्यलाल वर्मा के पास कि वापस से किसानों को जमीन नहीं मिलने वाली, तो माणिक्यलाल वर्मा, यहां तक समझ में आया होगा मामला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये आगे चलेंगे पर। शाबाश, हाँ जी ले भाई, ठीक। अब मित्रों सुनिएगा, मैं कह रहा हूं, अब माणिक्यलाल वर्मा भाई साहब क्या करते हैं, सुनिएगा समझिएगा। हाँ, यानी जैसे ही ये मामला हो जाता है, मैं इस मामले को ऊपर लेके चलता हूं, ऐसा हो गया। लेकिन लेकिन अब किसानों को जमीन देने में आनाकानी, और जैसे ही आनाकानी होती है तो अब कौन, माणिक्यलाल वर्मा एक शिष्टमंडल के साथ, कहां जाते हैं, एक शिष्टमंडल के साथ उदयपुर जाते हैं। आप कहेंगे उदयपुर क्यों गए, तो भाई साहब ये उदयपुर वार्ता करने के लिए गए थे।
कि आप अपने वादों से खिलाफ कैसे हो रहे, वादा खिलाफी कैसे कर रहे हैं। जैसे ही भाई साहब ये उदयपुर पहुंचते हैं, इनसे वार्ता करने की बजाय, वार्ता तो छोड़िएगा, इन माणिक्य लाल वर्मा को, माणिक्य लाल वर्मा को क्या कर दिया जाता है, माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके कहां कैद कर दिया जाता है, यह प्रश्न आ सकता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्य लाल वर्मा को कहां कैद रखा गया था। चार ऑप्शन दे देंगे, चित्तौड़गढ़ के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, सरवाड़ के किले में, जो मर्जी दे दे। तो मित्रों गौर करना, माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार करके, और यहां मैं लिख देता हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में नजर बंद कर दिया जाता है। कहां नजर बंद कर दिया जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों, ये नजर बंद कर दिया जाता है कहां? कुंभलगढ़ के किले। अब साथियों सुन, कुंभलगढ़ के किले में नजर बंद कर दिया किसको? माणिक्य लाल वर्मा को। क्यों कर दिया? क्योंकि माणिक्य लाल वर्मा जो जमुना लाल बजाज के साथ समझौता हुआ था कि हम किसानों को जमीन है वो लौटा देंगे, लौटा ही नहीं तो वार्ता करने के लिए गए। और जब वार्ता करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है आपको पता है, माणिक्य लाल वर्मा को कैद कर दिया जाता है। चलो कर दिया। और कैद करने के बाद में मित्रों सुन, नवंबर 1933 में कब की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर 1933 में माणिक्य लाल वर्मा की रिहाई हो जाती है। याद रखिएगा, रिहाई कब हो जाती है, तो अपन कहेंगे नवंबर 1933 में माणिक्य लाल वर्मा की रिहाई होगी। और रिहाई के बाद में भी मैं यूं कहूं कि आंदोलन जो था वो आंदोलन अब लड़खड़ा गया। आंदोलन लड़खड़ा जाता और ये जो माणिक्य लाल वर्मा वगैरह थे, ये किसानों के साथ निरंतर संघर्ष कर रहे थे कि हम लोग आपको, आपकी जमीनें हैं वो वापस से दिलवाकर ही दम लेंगे, ये बातें कर रहे थे। अब मित्रों क्या होता है, इसी दौरान एक घटनाक्रम और आ जाता है। क्या आपको पता है, जब प्रजा मंडल पढ़ेंगे आगे अपन करेंगे चर्चा, 1938 में मेवाड़ में प्रजा मंडल का गठन हो जाता है, प्रजा मंडल का गठन। और इस प्रजा मंडल को सरकार द्वारा कैसा घोषित कर दिया जाता है, अवैधानिक घोषित। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, प्रजा मंडल में करेंगे पूरी बात। 1938 में मेवाड़ में प्रजा मंडल का गठन, प्रजा मंडल को सरकार द्वारा अवैधानिक घोषित। और जैसे ही ये प्रजा मंडल अवैधानिक घोषित हो जाता है प्यारे मित्रों, तब क्या होता है सुनिएगा, अवैधानिक घोषित होते ही मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। अब ये जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन शुरू करता है, वैसे ही सरकार के पास ये खबर पहुंचती है कि मेवाड़ प्रजामंडल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सरकार के पास जैसे ही मामला पहुंचता है कि मेवाड़ प्रजा मंडल आंदोलन कर रहा है, सरकार के मन में एक विचार आता है। क्या विचार? ये आता है कि कहीं इस आंदोलन में जो बिजोलिया के किसान हैं वो अगर साथ हो गए तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। मित्रों सुनना, मेवाड़ प्रजा मंडल द्वारा आंदोलन शुरू हो जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूं इस एक बार के लिए। अब जैसे ही आंदोलन शुरू होता है मेरे प्यारे साथियों, अब क्या होता है आगे देखिए। आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन शुरू होने का मतलब यह था कि अब सरकार को यह खतरा था कि कहीं किसान लोग हैं वो इनके साथ नहीं हो जाए। एक तरफ यहां क्या हो रहा था, मेवाड़ प्रजा मंडल का आंदोलन,
सरकार को था खतरा, किससे, कि किसान इसमें शामिल नहीं हो जाए। लेकिन इसी बीच बिजोलिया किसान पंचायत ने एक फैसला लिया, और फैसला क्या लिया, सुनना समझना, यहीं से आंदोलन का पटाक्षेप होने वाले। अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो आंदोलन और भी लंबा चल सकता। फैसला क्या लिया जाता है कि हम लोग किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे जिसका नेतृत्व मेवाड़ प्रजा मंडल करेगा। सीधी सीधी बात होगी कि मेवाड़ प्रजा मंडल के साथ अब किसान लोग नहीं थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर हमें हमारी जमीन वापिस कर दी जाती है, अगर हमें हमारी जमीन वापस कर दी जाती है तो हम किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे ही मित्रों ये बात पहुंचती है सरकार के पास, हिस्सा नहीं लेंगे, वैसे ही सरकार अब क्या करती है सुनिए। जैसे ही ये बात सरकार के पास पहुंचती है मेरे प्यारे साथियों, अब सरकार है वो इस स्थिति को भांप लेती है और फायदा उठाने की कोशिश करती है। इस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर राघवाचार्य, और उस समय जो राजस्व मंत्री थे वो थे मोहन सिंह मेहता। राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता, उन दोनों का रिपोर्ट लिया जाता है क्या किया जाए। और इसी दौरान 1939 में, 41 बाद में आएगा, 1939 में यह आदेश जारी कर दिया जाता है कि किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटा दी जाती हैं। और यह आदेश जारी किया गया, लेकिन 1941 के अंदर अब मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद नहीं है। अब मित्रों मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है राघवाचार्य। कौन है? राघवाचार्य। अब प्रश्न बनेगा कि गुरुजी कैसे पटाक्षेप होता है, तो याद रखिएगा 1939 में जमीनें वापस करने का आदेश और 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखना है, टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य। और मित्रों राजस्व मंत्री कौन थे तो याद रखेंगे, मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के प्रयास से अपन यूं कहें किसानों को जमीनें वापस दे दी जाती हैं एवं इस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाता है। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं यह आंदोलन 1941 में खत्म, जो 1897 से चला था। 44 वर्षों का यह भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, जो अहिंसात्मक आंदोलन था, जो स्वावलंबी आंदोलन था, यानी इन्होंने अपने आंदोलन के लिए पैसों की व्यवस्था कहीं बाहर से नहीं की, इन्होंने पैसों की व्यवस्था के लिए अपना खुद की जो पंचायतें थी वो बनाई और अपने किसानों से पैसा इकट्ठा किया। इस आंदोलन में क्या महिलाओं ने भी भाग लिया? बिल्कुल। बच्चों ने भी भाग लिया? बिल्कुल लिया। और बिजोलिया ने, पुरुषों ने तो लिया ही। उसके बाद यह आंदोलन अपने मंतव्य तक तो पूर्ण रूप से पहुंच पाने में सफल नहीं रहा, लेकिन इस आंदोलन ने
किसानों के अंदर जो राजनीतिक चेतना थी, जो राजनीतिक जागृति थी, वो जागृति लाने का काम किया। और किसानों के अंदर जो सामंत थे, जो राजा थे, उनके विरुद्ध बोलने का जो जज्बा और साहस भरा, वो भी इसी आंदोलन ने भरा। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो मित्रों, ये इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन का एक पार्ट बच रहा था, वो अपन ने किया। कैसे लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली क्लास के अंदर अपन हिस्ट्री का कोई और टॉपिक लेके आएंगे। राजस्थान भूगोल पूरी हो चुकी है, अब कहेंगे हैं हाँ, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन, केवल ये तीन टॉपिक बचे हैं। और ये तीन टॉपिक मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एक साथी सर हम वो कह रहे हैं गुरु जी मैं भी भूगोल के कुछ टॉपिक करवाऊंगा, उनके लिए छोड़ रखे हैं। अगर उनको टाइम मिलता है वो करवा पाएंगे तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो अपन तो तैयार हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको तो कम मर्जी जब बनाओ, बाहर के मुर्गियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो घर की मुर्गी तो आपके लिए तैयार, जब मर्जी आप कहोगे उस समय करवा देंगे। लेकिन सरकारी मन है कि मैं करवाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा संसाधन, उद्योग और पर्यटन, तीन टॉपिक बचे राजस्थान ज्योग्राफी के, ये वो है। अब अपन इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले वो काम करना चाहिए जिससे अधिक लोगों को फायदा। इंडिया ज्योग्राफी है उसके बजाय वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडिया वर्ल्ड केवल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की घोषणा होगी, रिट की हो चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, वहां मैं उस समय कंटिन्यू क्लासेस रखूंगा उसकी। लेकिन अभी एक बार राजस्थान पुलिस पटवार के जो जवान है, हाईकोर्ट वगैरह के, उनके लिए हिस्ट्री और कल्चर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन इनकी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं मित्रों नई क्लास में, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।